एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ सिंपली एक फिनोमेना है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि आप जब एल्गोरिथम डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम डिजाइनिंग करते समय अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि आपकी एल्गोरिथम ज्यादा टाइम ले रही है, तो उस केस में आप थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा लेके आप उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो स्पेस एफिशिएंट नहीं है, वो ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो फिर उसके बाद आप स्पेस को कम करेंगे तो फिर वो जो एल्गोरिथम है वो टाइम ज्यादा लेने लगेगा। ऐसा यूजुअली देखा गया है। तो एफिशिएंट एल्गोरिथम डिजाइनिंग के मैकेनिज्म में टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ हमारी काफी हेल्प करता है। सो इसको हम फॉर्मली अगर डिफाइन करें तो इट इज अ वे ऑफ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन आइदर इन लेस टाइम एंड बाई यूजिंग मोर स्पेस, और वेरी लिटिल स्पेस बाई स्पेंडिंग लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये हम इस कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे कि आप कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या है, तो आप उसको एग्जाम्पल से एलाबोरेट कर पाए। मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटी सी एल्गोरिथम है, वो फाइबोनाची नंबर फाइंड करने की एक थोड़ा सा प्रोग्राम हम बना लेते हैं। फंक्शन ये कह रहा है कि ये nth फाइबोनाची नंबर कैलकुलेट करेगा। और आपको पता है कि nth फाइबोनाची नंबर को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 या n की वैल्यू 2 है, तो आप रिटर्न कर दीजिए n-1, मतलब कि 1 अगर है तो 0 रिटर्न कर दीजिए, और 2 है तो 1 रिटर्न कर दीजिए। तो हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म को हमने फ्रीज कर दिया। और मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है, ना ही ये फर्स्ट टर्म है ना ही ये सेकंड टर्म है, तो उस केस में आप रिटर्न कीजिए फाइंड करके फाइबो नाकी n-1, सॉरी फाइबो नाकी n-1 प्लस फाइबो नाकी n-2। तो हमने ये रिकर्सिव एल्गोरिथम बना लिया, रिकर्सिव प्रोग्राम बना दिया है, रिकर्सिव फंक्शन बना लिया है। और उसके बाद फिर हम मेन से कॉल करते हैं इस फंक्शन को, और मेन से कॉल करते समय हम एक काम करते हैं कि हम लार्ज वैल्यूज के लिए इसको फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमने एक लूप लगाया, और उस लूप में हमने फर्स्ट 100 टर्म्स कैलकुलेट किए इस फाइबोनाची फंक्शन का यूज करते हुए। तो हमें क्या करना है, फाइबोनाची टर्म कैलकुलेट करने के लिए फाइबोनाची फंक्शन को कॉल कर लीजिए। आईएथ टर्म को आप फाइंड कर रहे हैं, और इसके बाद जैसे आपको ये टर्म मिल जाए वैसे आप इसको प्रिंट करके देख लीजिएगा कि ये सही प्रिंट हो रहा है या नहीं। सो लेट्स से हमने परसेंटाइल डी वो नंबर, और उसके बाद फिर परसेंटाइल डी उसका फाइबोनाची टर्म कौन सा है ये हमने प्रिंट कर दिया। सो आईएथ फाइबोनाची टर्म एक्स है, ऐसा हमने प्रिंट कर लिया। एक टैब लगा लेते हैं जिससे कि प्रिंटिंग हमारी अच्छी दिखे। फाइन, तो हमने इस फंक्शन को हम रन करके देखते हैं, रिटर्न 0। एक काम करते हैं कि हम इसको 100 टर्म्स तक ना प्रिंट करके 10 टर्म्स तक ही प्रिंट करते हैं, उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे फर्दर। एक्स हमारा अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो फाइन, आप देख सकते हैं कि जो हमारे 10 टर्म्स हैं वो बिल्कुल ही सही तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, नाउ ऐसा मान लीजिए कि हमें 100 टर्म्स फाइन करने हैं। तो हमने इसको रन किया इस एल्गोरिथम को, इस प्रोग्राम को, और कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं इसमें। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो टर्म्स कैलकुलेट हो रहे हैं वो स्लो कैलकुलेट हो रहे हैं। 42 सेकेंड टर्म फाइंड करने में टाइम लगा, 43rd टर्म फाइंड करने में और टाइम लगा। अभी ये 44th टर्म दिया है इसने, जस्ट काफी टाइम इसने लिया। अब ये 45th टर्म नहीं दे पा रहा है, काफी कैलकुलेशन करेगा देन ये 45th टर्म दे पाएगा। इसी तरह से आगे के जो टर्म्स हैं उसको फाइंड करने में और टाइम लगता रहेगा। तो ये हमारे लिए बड़ा ही कम्बरसम टास्क है कि ये बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहा है। इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। 46 टर्म इसने अभी तक नहीं दिया, और हमें 100 टर्म्स फाइंड करने हैं। यस, अभी ये दे पाया 46 टर्म, तो ये काफी टाइम लगाएगा 100 टर्म्स को फाइंड करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले लेता हूँ, और इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल का जो साइज है वो 101 ले लेता हूँ, और इसमें हर एक टर्म को 0 से इनिशलाइज कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हम डायरेक्टली फाइबोनाची सीरीज का जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल है वो नहीं करेंगे,
ये जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल, वो क्या करेगा कि अगर कोई टर्म पहले से फाइंड हो चुका है तो उसको स्टोर कर देगा, और अगर उसी टर्म की कॉल दोबारा से है तो वो केवल टेबल से या फिर इस एरे से ही, डीएटी से ही आपको आंसर दे देगा, रिकर्सिव कॉल उसके लिए नहीं करेगा। लेकिन उस टर्म को हम पहले से नहीं फाइंड किए तो रिकर्सिव कॉल होगी, और जो भी टर्म कैलकुलेट हो गया हम उसको टेबल में स्टोर कर लेंगे एंड देन टेबल से आंसर दे देंगे। उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स हमारी हो रही हैं, क्योंकि ये ट्री रिकर्शन इसमें बनेगा, टोटल 2^n कॉल्स इसमें हो रही होंगी, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं काफी हद तक। तो आइए हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे ये कहा कि अगर nth टर्म हमको फाइंड करना है और DATN की जो वैल्यू है वो 0, इसका मतलब ये है कि हमारा टर्म पहले से फाइंड नहीं हुआ है। तो पहले से टर्म फाइंड नहीं हुआ है तो हम एक काम करते हैं कि इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं उसी मेथड से जिस मेथड से हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया है DATN। और फाइनली इस DATN से ही हम इस n को रिटर्न कर रहे हैं या टर्म को रिटर्न कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मल्टीपल कॉल्स हो रही हैं, या ये इसको हम एक ट्री से हम इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें फैबोनैकी टर्म 7 की जरूरत है, तो इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, फैबोनैकी 6 और फैबोनैकी 5। फैबोनैकी 6 को फाइंड करने के लिए फैबोनैकी 5 एंड देन फैबोनैकी 4, देन फैबोनैकी 4 को कॉल करने के लिए फैबोनैकी 4 और फैबोनैकी 3, फैबोनैकी 4 को फाइंड करने के लिए फैबोनैकी 3 और फैबोनैकी 2, फैबोनैकी 3 के लिए फैबोनैकी 2 और फैबोनैकी 1। ये बेस कंडीशंस हैं, इसलिए रिटर्न हो जाएगा। ऐड करेंगे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये भी बेस कंडीशन, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो 4th मिल जाएगा। फिर ये F4 तो हमें मिल गया लेकिन F3 नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए फिर से रिकर्सिव कॉल्स करेंगे। ये बेस कंडीशन है, ये बेस कंडीशन है, दोनों को ऐड करेंगे F3 मिलेगा, F4 और F3 को ऐड कर लेंगे F5 मिल जाएगा। ये जो F4 है इसको फर्दर हम इस तरह से F3 कर लेते हैं और F2 कर लेते हैं, F3 को हम फिर से फाइंड करेंगे F2 और F1। ये बेस कंडीशन, ये बेस कंडीशन, दोनों को ऐड करेंगे F3 मिल जाएगा, ये भी बेस कंडीशन है, इन दोनों को ऐड करेंगे F4 मिल जाएगा, F5 और F4 दोनों को ऐड करेंगे F6 मिल जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में F5 के लिए फिर से कॉल शुरू हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि एक ही टर्म को फाइंड करने के लिए रिपीटेडली हम कॉल करते चले जा रहे हैं, रिडंडेंट कॉल्स हो रही हैं। जो टर्म हम पहले से फाइंड कर चुके हैं उसी को दोबारा से फाइंड कर रहे हैं। F5 फाइंड करना है तो F4 F3 फाइंड कीजिए, F4 के लिए F3 F2 फाइंड कीजिए, F3 के लिए F2 F1 फाइंड कीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए F3 मिल गया, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए F4 मिल गया, फिर F3 को फाइंड करने के लिए फिर से F2 F1 कॉल कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए देन F3 मिलेगा, इन दोनों को ऐड कीजिए तो F5 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो F7 मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कि ट्री के फॉर्म में मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। इसका मतलब है कि रिडंडेंट कॉल्स हो रही हैं। और अभी जो हमने मेथड बनाया जिसमें हमने ये कहा है कि अगर मान लीजिए हमें F7 को फाइंड करना है तो उस केस में आप F6 और F5 को फाइंड कीजिए, क्योंकि हमने पहले से F7 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट एड्रेस टेबल जो है उसके रेफरेंस से भी समझ लेते हैं इसको। अगर मुझे 7th वैल्यू निकालनी है तो मैंने 8 साइज का एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले लिया है, 8 इसलिए लिया क्योंकि 7 इंडेक्स मुझे चाहिए। इन सब में मैंने 0 स्टोर कर रखा है, 0 के स्टोर करने का ये मेथड है, मतलब है कि ये टर्म्स अभी फाइंड नहीं हुए हैं, और जैसे जैसे टर्म्स मुझे मिलते रहेंगे मैं इन वैल्यूज को चेंज करता रहूंगा। तो F7 में 0 है इसलिए मैंने रिकर्सिव कॉल किया, F6 अभी तक फाइंड नहीं हुआ इसकी वैल्यू 0 है तो इसको मैंने फिर से रिकर्सिव कॉल कर लिया, फिर F5 अभी फाइंड नहीं हुआ है तो मैंने F4 और F3 की तरफ मैं आगे बढ़ा, F4 की मैंने कॉल किया है, F4 पे भी फाइंड नहीं हुआ है, वंस अगेन F3 को कॉल कर देते हैं, और F3 अभी फाइंड नहीं हुआ है इसकी वैल्यू भी 0 है इसलिए हम इसके लिए F2 और F1 को कॉल करते हैं। F2 बेस कंडीशन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 रिटर्न होगा, F1 भी बेस कंडीशन, इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 रिटर्न होगा, तो 1 + 0 से मुझे F3 की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी 1, तो मैं F3 पोजीशन में 1 को स्टोर कर दूंगा, और जब भी F3 की नेक्स्ट कॉल होगी उसको मैं इसी टेबल से पिक कर लूंगा। फिर F4 की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, F3 मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर मिल गया है, F2 की वैल्यू 1 होती है, बेस कंडीशन है ये, 1 + 1 2 मिल गया, इसका मतलब है कि F4 में मैंने 2 स्टोर कर लिया। अब देखिए कि F4 के एडजेसेंट जो कॉल है वो F3 की कॉल है, इसके लिए हम रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस टेबल में 3 इंडेक्स पे 1 वैल्यू अवेलेबल है, मैं इस वैल्यू को यहीं से पिक कर लूंगा।
सो 2 + 1 3 वैल्यू मुझे मिल जाएगी F5 की। फिर F4 इसके एडजेसेंट कॉल है, लेकिन इसको मैं कॉल नहीं करूंगा क्योंकि F4 पोजीशन पे या DAT में फोर्थ पोजीशन पे 2 ऑलरेडी रखा हुआ है, हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, रिकर्सिव कॉल्स नहीं करेंगे। सो 3 + 2 करेंगे मुझे 5 मिलेगा, F6 की वैल्यू हमें मिल गई 5, सॉरी F5 की वैल्यू 3 थी, प्लीज पार्डन। सो इसके बाद फिर मैंने F6 मिल गया और राइट हैंड साइड में इसके F5 की कॉल है, F5 को मैं इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल से पिक कर लेता हूँ, 3 वैल्यू। सो 5 + 3 की वैल्यू हो जाएगी 8, और हम यहाँ पे 8 को स्टोर कर लेंगे और फिर इसको रिटर्न कर देंगे। नाउ यू कैन सी दैट कि अगर कोई रिकर्सिव कॉल हुई है नेक्स्ट टाइम तो हमने टेबल से ही वैल्यू पिक करने की पहले कोशिश की है और उसके लिए रिकर्सिव कॉल्स नहीं की है। वापस आते हैं अपने कोड पे, इस कोड का एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि मुझे अगर 100 टर्म्स फाइंड करने हैं तो मैंने DAT ले लिया 101 साइज का, और अगर बेस कंडीशन है तो मैंने n-1 रिटर्न कर दिया, और अगर बेस कंडीशन नहीं है तो मैंने सबसे पहले DAT को देखा। अगर DAT के इंडेक्स पे 0 वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये टर्म अभी हमने फाइंड नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं कि रिकर्सिव कॉल से इन वैल्यूज को फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद फिर DAT n में स्टोर कर लेते हैं, और फाइनली हम DAT n को ही रिटर्न कर देते हैं। एल्स इसके इस इफ के एल्स का ये मीनिंग है कि हमारा नंबर में माने DAT n पे 0 नहीं है, कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम रिटर्न DAT n-1 डायरेक्टली कर देंगे। तो आइए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम ये लगाता है 100 टर्म्स को फाइंड करने के लिए। नाउ यू कैन सी दैट द 100 टर्म्स आर अवेलेबल इन नो टाइम, सो इट हैज गिवन अस द आंसर इन अ फ्लैश। एक बार और रन करते हैं इसको, और इसको 100 की जगह बना देते हैं, लेट्स से 500 टर्म्स, और 500 टर्म्स जो हैं उसमें DAT की वैल्यू को हम कर देते हैं 500, DAT का जो साइज है उसको 501 कर देते हैं। एक काम और करते हैं कि ये जो DAT है उसको लॉन्ग लॉन्ग बना देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग बनाने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो फिबोनाची टर्म्स होंगे काफी बड़े बड़े आएंगे, देखते हैं कि हम इसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। तो आपने क्या किया कि इसको लॉन्ग लॉन्ग बना दिया, और जो आंसर हमारा मिल रहा है उसको भी हम लॉन्ग लॉन्ग बना देते हैं। तो एक्स हमारा लॉन्ग लॉन्ग है, तो LLD फॉर्म में इसको प्रिंट कर देंगे। फाइन, रन करके देखते हैं इसको। तो यू जस्ट सी कि 500 टर्म्स जो हमें मिले वो एक फ्लैश में मिल गए, तुरंत हमने हमारे जो है 500 टर्म्स अवेलेबल हैं। तो तुरंत ही 500 टर्म्स अवेलेबल है, इसका मीनिंग क्या है कि हमने बहुत अच्छे से इस कोड को एग्जीक्यूट कर लिया है, और जो हमारा प्रॉब्लम था रिकर्शन के साथ में कि अननेसेसरी रिकर्सिव कॉल्स हो रही थी, उनको हमने हैंडल कर लिया, और यही टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है कि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करके काफी सारा टाइम सेव कर लिया। पहले हमारे जो एल्गोरिथम थी उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एक्सपोनेंशियल थी, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 2^n कॉम्प्लेक्सिटी पहले से थी, और अब अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको F7 फाइंड करना है तो F7 को फाइंड करने के लिए एक रिकर्सिव कॉल, दो रिकर्सिव कॉल, एक दो एक दो एक दो एक दो, तो मतलब 2 2 4 6 8 10 और एक ये वाली कॉल, तो 10 कॉल्स हो रही हैं और प्लस एक 11 कॉल्स हो रही हैं। टर्म आप कौन सा फाइंड कर रहे थे? 7 टर्म फाइंड कर रहे थे। तो इससे अगर आप ध्यान से देखें, सो 2 × n-2 + 1 इतनी कॉल्स हमारी हो रही हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो पहले आप ऑर्डर ऑफ 2^n एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लग रही थी, और अब हमने इसको जो है वो n टाइम में ही सॉल्व कर लिया। अगर आप ऑर्डर ऑफ 2^n को थोड़ा सा और देखना चाहें कि एक्चुअली है क्या, मान लीजिए कि n की वैल्यू 10 है तो 2^10 की वैल्यू होगी 1024, और अगर n की वैल्यू 20 है तो उस केस में 2^20 की वैल्यू होगी 1024 × 1024, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, 10 लाख। एंड देन अगर आप 30th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 2^30 कॉल्स होंगी, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 100 करोड़, 1024 × 1024 × 1024। तो आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ कॉल्स हो रही हैं फंक्शन की, जबकि इसी को हमने रिड्यूस कर लिया ऑर्डर ऑफ एन में। तो अगर 30th टर्म आप फाइंड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 n अप्रोक्सीमेट जो कॉल्स होंगी वो 2 × 30 − 2 + 1 होंगी, इसका मतलब ये हो गया 57 कॉल्स। सो जस्ट 57 कॉल्स में हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो डायरेक्ट एड्रेस टेबल का या एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज करने से आपने अपनी प्रॉब्लम को बहुत आसान कर लिया, और यही मेरा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।